अमेठी से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सपा नेता रामजी मौर्य उर्फ राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रामजी मौर्य 2017 में बसपा से विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में रामजी मौर्य को गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में सुल्तानपुर जिला अस्पताल एडमिट कराया गया था। हालत खराब होने के बाद उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था। ट्रॉमा सेंटर जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। सुल्तानपुर के शास्त्री नगर स्थित आवास पर देर रात उन्हें गोली लगी थी। रामजी मौर्य वर्तमान में सपा के नेता थे। वे बसपा छोड़ सपा पार्टी में शामिल हुए थे। अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि उन्हें किसने और क्यों गोली मारी। मामला तो नहीं पता है, उसको गोली लगी हुई थी जी। सर पे जी। पीछे एक साइड में जी। पेशेंट सीरियस हालत में था, लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। हाँ, ट्रीटमेंट करके उसको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। यहीं शास्त्री नगर के था, राम बाबू मौर्य करके थे।